Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, Text Number 78. Kripaya, in atyant hi adbhut aur param pavitra shabdon ko mere saath saath uchharan karne ka prayas kijiye. Sanjay keh rahe hain, yatra yogeshwara krishna. Yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir dhruvānīti matir mama. Yatra yogeshwara krishna yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir ruvāṇīti matir mama. Yatra yogeshwara krishna yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir ruvāṇīti matir mama. Yatra yogeshwara krishna yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir ruvāṇīti matir mama. Yatra yogeshwara krishna yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir ruvāṇī tirmatir mama. Yatra yogeshwara krishna yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir ruvāṇī tirmatir mama. Yatra yogeshwara krishna yatra pātho dhanurdhara tatra śrīrvijayo bhūtir ध्रुवानीति मतिर्मम. शब्दों का अर्थ देखिए. यत्र मन जहाँ पर योगेश्वर यानी योगियों के जो स्वामी है उसका नाम क्या है कृष्ण. यानी जितने भी योगी जो वाकई में योग साधना कर रहे हैं उनके स्वामी है कृष्ण. और जहाँ पर वो होते हैं और उसके साथ साथ कौन होते हैं यत्र पार्थ. जहाँ पर पार्थ यानी प्रथा कुंती के पुत्र पार्थ होते हैं जो कि धनुर्धर बहुत ही माने जाने माने धनुषधारी हैं. सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं जो वहां पर क्या होता है तत्र श्री. श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य और उसके साथ साथ क्या होता है विजयी यानी जीत होती है. भूति भूति का मतलब होता है विलक्षण शक्ति. और ध्रुवा का मतलब होता है निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह नहीं है वहाँ पर होने ही वाला है ये सब. जहाँ पर कृष्ण है जहाँ पर अर्जुन है वहाँ पर श्री विजय भूति ये सब होने वाला है. क्यों क्योंकि नीति वहाँ पर है ना नीतिर क्योंकि नीति वहाँ पर है सच्चाई वहाँ पर है धर्म यहाँ पर है. तो मतिर मम ये मेरा मत है. संजय अपना मत बताते हुए कहते हैं अनुवाद देखिए. जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है. इन अत्यंत ही पवित्र और अद्भुत शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरुः श्रीयुक्तपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गणरघुनाथ वितन्तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माते की जय हो। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें संजय धृतराष्ट्र को अपना मत बता रहे हैं, अपना निर्णय बता रहे हैं कि देखो धृतराष्ट्र, तुम भले अपने बच्चों की विजय की ओर कितने ही आश्वासित क्यों न हो, क्योंकि भले आप ये समझ रहे हो क्योंकि द्रोण और भीष्म जैसे महारथी आपकी साइड पर हैं, लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ मेरे हिसाब से जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर उनके मित्र उनके भक्त उनके प्रिय सखा हैं, श्री विजय और भूति वहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि नीति वहीं पर होती है, धर्म वहीं पर होता है, और जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। वास्तव में अगर इस श्लोक को देखा जाए तो बहुत ही हमारा जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या संजय बोल रहे हैं, यत्र पार्थ धनुर्धरा, पहले तो जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, क्योंकि वो योगियों के स्वामी हैं, जो योगियों के हृदय में जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। नाम डिक्लेयर किया यहाँ पर कि जो योग करने के लिए वास्तविक जो जिस पर हमें योग टिकाना होता है, जिसके साथ अपना संबंध जोड़ना होता है, वो कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, और वो होते किधर है, यत्र पार्थ धनुर्धर, पार्थ है ना प्रथा का पुत्र, जो प्रिय है जो भक्त है, यानी कि प्रथा कौन थी, वसुदेव की सिस्टर थी, तो ये भगवान श्री कृष्ण का रिलेशन है उनके साथ, वसुदेव उनके पिताजी, प्रथा उनकी बुआ, और उनके पुत्र कौन, अर्जुन, जो कि भगवान के परम प्रिय सखा थे, भगवान के मित्र थे और भगवान से प्रेम करते थे। तो यहाँ पर संजय ये बता रहे हैं कि देखो कृष्ण वही होंगे जहाँ उनके प्रेमी भक्त होंगे, जहाँ उनको चाहने वाले होंगे वहाँ पर कृष्ण होंगे। और कृष्ण क्योंकि योगेश्वर हैं, तो योगेश्वर माना ज्यादातर योगी लोग है ना,
विष्णु भगवान पर ध्यान लगाते हैं वो, लेकिन वास्तव में उनका नाम रियल में वो कौन है, कृष्ण है, लेकिन जब वो योगेश्वर है तो श्री उनके क्या है, लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी है, वो पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति को छोड़कर किधर नहीं जाती है, वो अपने पति की चरणों की सेवा करना ही वो अपने जीवन का लक्ष्य मानती है। तो जहाँ पर वो उनके पति होते हैं, जहाँ पर भगवान होते हैं, वहीं पर श्री होती है। श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है संपत्ति, श्री का मतलब होता है धन, श्री का मतलब होता है सुंदरता, श्री का मतलब होता है ज्ञान, श्री का मतलब होता है वैराग्य। तो ये सब कुछ वही होता है जहाँ कृष्ण होते हैं, और कृष्ण कहाँ होते हैं, जहाँ उनके प्रिय भक्त होते हैं, और जहाँ पर भगवान और भक्त मिल जाते हैं वहाँ क्या होता है, आगे संजय कहते हैं विजय, यानी जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने वाले जनार्दन है, जो हर जन का अर्धन करने वाले, उनको सुख पहुंचाने वाले हैं। वो भले ही कितना ही कह दे कि समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्तु न प्रियः, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन विवश हो जाते हैं जब उनसे कोई प्रेम करता है। आगे वही अपनी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त मई तेषु चाप्य, हम जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, वैसे तो किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन अब क्या करूँ, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तथैव भजामि, हम ये निर्णय लिया है, ये प्रतिज्ञा की है, जो जिस भाव से मेरे शरण में आएगा तो मुझे उसी भाव से उसको अपनाना है, और वो सब कुछ छोड़ के जब मेरी शरण में आ जाता है तो मैं विवश हो जाता हूँ, उसका बन जाता हूँ, उसके पक्ष में हो जाता हूँ, और उसकी विजय प्राप्त कराने के लिए, उसको विजय प्राप्त कराने के लिए, उसको श्री प्राप्त कराने के लिए, उसको भूतिर प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं को तोड़ देता हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो वो सोचता है कि मैं कैसे अपने कृष्ण को खुश करूँ, तब मेरा एक ही विचार रहता है, मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैं कैसे अपने भक्त को खुश करूँ। तो यहाँ पर संजय बताए, वहाँ पर श्री है, वहाँ पर विजय है, वहाँ पर भूति है, यानी विलक्षण शक्ति है। क्यों, निश्चित रूप से क्यों है, क्योंकि नीति वहीं पर है, धर्म वहीं पर है, जो भगवान की भक्ति है वही सबसे बड़ा धर्म है, जो भगवान की भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम है वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, वही सबसे बड़ी नीति है। और जहाँ पर ये नीति है, जहाँ पर कृष्ण प्रेम है, जहाँ पर कृष्ण को प्रसन्न करने की बात आ गई ना, तो समझो वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर समृद्धि है, वहीं पर सब कुछ है। बहुत ही सुंदर संजय अपना निर्णय देते हुए धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। बहुत ही सुंदर शब्द यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे कि गीता का उद्घाटन कैसे हुआ, जब जिज्ञासा की गई। जब भी जिज्ञासा की जाती है तो यकीनन अगर वो जिज्ञासा राइट पर्सन के साथ की जाती है, एक सही प्रामाणिक शिष्य या प्रामाणिक गुरु के साथ यदि जिज्ञासा की जाती है, तो उसके उत्तर में जो चीज हमें मिलती है वो हमारे जीवन को पलट सकती है, हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाता है यदि जिज्ञासा किसी राइट पर्सन से की जाए। जब सनातन गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनसे जिज्ञासा करने लगी, प्रभु के आमी के में आमार चार ताप पत्र, आप मिल गए हो तो बस इतना बता दो कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, मुझे ये तीन ताप क्यों सता रहे हैं, मैं संसार में क्यों तड़प रहा हूँ, मेरे होने का मुझे बताओ, मेरे कष्टों का मुझे बताओ। तो यही जिज्ञासा यदि किसी साधारण प्राणी के साथ की जाती है, जिस जो खुद भी अब तक मोह माया में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की दलदल में फंसा हुआ है, जो अब तक जो
खुद अंधा है, वो खुद रोड क्रॉस नहीं कर सकता, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के कैसे ले जाएगा, है ना। लेकिन यदि वो बिल्कुल सही है, उसकी आंखें सही है, उसके पास दिव्य दृष्टि है, तो वो किसी भी प्रकार से आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो जिज्ञासा करनी है तो किसी शुद्ध वैष्णव के साथ करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी है तो भगवान के भक्त के साथ करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी है तो किसी प्रामाणिक शिष्य या प्रामाणिक गुरु से करनी चाहिए, वही आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। वास्तव में धृतराष्ट्र ने संजय से ये नहीं पूछा था कि कहाँ पर विजय होगी, कहाँ पर श्री होगा, कहाँ पर भूति, उसने तो सिर्फ ये कहा था। क्या कहा था धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजया। संजय, धर्म में कुरुक्षेत्र में मेरे और जब पांडव के पुत्र एकत्रित हो गए तो उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र ने कब कहा कि विजय किस साइड पर होने वाली है, कि भगवान किस साइड पर है, ये सब पूछा नहीं। लेकिन एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध वैष्णव, एक चतुर जो शिष्य होता है, वो क्या करता है? किसी के भौतिक प्रश्न का भी उत्तर जब देता है तो उसको किसी न किसी प्रकार से लिंक जोड़ देता है भगवान के साथ। श्री प्रभुपाद के साथ ऐसा ही, श्री प्रभुपाद से जब भी कोई किसी भी टॉपिक पर बात करते थे तो श्री प्रभुपाद जी है ना, उनका उत्तर देते थे कि हाँ, महामंत्र का जप करो, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर कोई मैनेजमेंट के लिए लेकर आते थे तो समस्या, बोलते ये इसीलिए प्रॉब्लम है ना, आप लोग जब सही नहीं करते हो, आप जब सही करो तो सही हो जाएगा। फिर और कोई समस्या हो जाती, भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो भी सबो कोई भी समस्या लेकर आते थे ना, तो वो सोचते थे कि आज श्री प्रभुपाद जी कोई दूसरा सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, हाँ, यदि आप भगवान के पवित्र नाम का सही से जप करोगे, भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करोगे, भगवान के ऊपर निर्धारित हो जाओगे, भगवान की शरण में रहोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप लोग अपने ऊपर डिपेंड करते हो। आप इसका पूरा सरेंडर हो जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ। आप कृष्ण को बोलो आपको जैसा करना है ऐसा करो, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना है और जो फल है उसका वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो ये श्री प्रभुपाद का गुण होता था कि जिधर से भी किधर से भी वो बंदा गिरा हुआ है, वहाँ पर उसको वहाँ से उठा के डायरेक्ट से कृष्ण के चरणों तक पहुँचा देना। तो यही एक शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि क्योंकि जीव के अंदर इतनी, जो भौतिक बद्ध जीव होते हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो डायरेक्ट से आपसे भगवान के विषय में पूछे। लेकिन भक्त इतना चतुर होता है कि वो भगवान तक पहुंचा ही देता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि शुभारंभ किस चीज से हुआ था? धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था, और जिज्ञासा क्योंकि राइट पर्सन के साथ। संजय व्यास देव के डायरेक्ट शिष्य थे। व्यास देव कौन थे? भगवान की शक्ति आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद ने व्यास देव को जो ज्ञान दिया था वही उनके शिष्य संजय तक पहुंचा था, और ये संजय धृतराष्ट्र को वही ज्ञान दे रहे थे। तो फिर यहाँ पर एकदम प्योर परंपरा की बात हो रही है। तो ये जिज्ञासा जब धृतराष्ट्र ने की तो उस टाइम पर उसके मन में क्या करना था? श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वह भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय की प्रति आश्वासन था। उसको पता था कि क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य समस्त पांडवों के गुरु हैं, कर्ण इतने बड़े महारथी हैं, तो इन सब के होते हुए विजय तो उनकी होगी। उसको ये भ्रांत था, उसको ये भ्रम था कि ऐसा ही होने वाला है, और उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, यानी उससे तो ये समझ में आ रहा था कि मेरी युद्ध होगी, लेकिन संजय ने क्या किया? संजय ने जब युद्ध का पूरा क्षेत्र का जो ये नजारा देखा ना, पूरा दृश्य देखा, उसके बाद क्या कहा? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आप, यानी कि उसने अपने धृतराष्ट्र को बोला, अपने राजा को बोला कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण है तहाँ अर्जुन उपस्थित है, वही संपूर्ण श्री होगी।
आप पुनः निर्णय ले लिया कि तुम भले कितना ही सोचो लेकिन जहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, जहाँ पर कृष्ण के सखा हैं, वहाँ पर ही जीतोगे, क्योंकि कृष्ण अपने प्रिय जनों को कभी हारने नहीं देते। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष में निश्चित थी क्योंकि उसमें कृष्ण है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि युद्ध में विजय किसकी होगी? अर्जुन के पक्ष की होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके पक्ष में कृष्ण है और जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहीं पर विजय होती है। और यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी भगवान की षडेश्वरियों के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर देखो संजय ने बताया ना, तत्र श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य। जो भगवान की षडेश्वरी है ना, सबसे ज्यादा धन है भगवान, संपूर्ण मात्रा में उनके पास धन है, संपूर्ण मात्रा में शक्ति है, संपूर्ण मात्रा में सुंदरता है, संपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, संपूर्ण मात्रा में यश है और संपूर्ण मात्रा में वैराग्य है। भगवान के वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो अपने भक्त के सारथी बने हुए हैं। ये भगवान के वैराग्य का चिन्ह है क्योंकि भगवान त्रिलोकी के नाथ है। त्रिलोकी के नाथ होकर वो अपने भक्त का रथ हांकने के लिए, उनका सारथी बनने के लिए, उनका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए। ये भगवान का वैराग्य है। क्योंकि आज यदि हम इस संसार में देखें, जिसके पास थोड़ा सा भी बड़ा पथ होगा तो वो कभी किसी का कार ड्राइव करेगा, कभी किसी का रथ घोड़े गाड़ी उसकी चलाएगा कि हाँ ठीक है मैं तुमको लेकर जाता हूँ, कभी नहीं चलाएगा। वो बोलेगा तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? बल्कि अगर कोई किसी को उसका दोस्त भी होगा ना तो उसको बोलेगा भी नहीं कि मेरा रथ चलाओ, क्योंकि उसको पता है ये तो प्राइम मिनिस्टर है, इसको मैं बोलूंगा तो और भी मेरे से गुस्सा हो जाएगा और इस बात ही नहीं करेगा, या फिर है ना और उल्टा सीधा मेरे ऊपर केस चला दे, या फिर है ना मैं इंसल्ट करेगा। तो लेकिन भगवान का वैराग्य, वो तीनों लोकों के नाथ है, तीनों लोकों के स्वामी है, लेकिन अर्जुन का रथ चला रहे हैं। ये नहीं सोचते कि इससे मैं तो भगवान हूँ, मेरी तो कितनी मान हानि होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं उनकी मान हानि नहीं होती है, उनका और भी सम्मान होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सनातन है, उनका यश सनातन है। वो चाहे कुछ भी करें, चाहे चोरी करें, चाहे रन छोड़ के भाग जाएं, या चाहे अपने मित्र का रथ ही क्यों न हांके, उनका कभी भी अपमान नहीं होता है। ये उनके वैराग्य का प्रदर्शन है। श्री बाबा जी बोलते हैं कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनमें से एक वैराग्य है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण को कहा गया, यानी योगियों के ईश्वर हैं, वैराग्य के ईश्वर हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विषय बताया। और आगे श्री भगवान जी कहते हैं, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच में था। वास्तव में वो दोनों के सेंटर में युद्ध था ना। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। अब यहाँ पर कृष्ण है और कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, वो भले किसी की साइड में हो जाएंगे, वहाँ पर विजयी होना अनिवार्य है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। अब जो भी जीतेगा वही संसार में राज्य करेगा। तो जो युद्ध में निर्णय होगा, जो भी जीतेगा तो उसको संसार का राज्य मिलेगा। श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि संजय ने भविष्यवाणी की है कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। संजय ने पहले क्या कहा कि जहाँ पर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय होते, कि वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय। अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक तो खाली याद है शंख बजे थे और फिर बाद में श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट हो गई थी। युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन संजय ने अपना ये निर्णय घोषित कर दिया कि जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, विजय तो वहीं पर होगी। तो ये भविष्यवाणी कर दी। श्री बाबा जी कहते हैं कि जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण है वहाँ पर ही विजय ध्रुव है। ध्रुवानी तिरम तिरमो ध्रुव है। युद्ध को यह परिणाम देना है कि सत्ता जो है वो युधिष्ठिर के हाथ में जाए। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर
उत्तरोत्तर समृद्ध लाभ करेगा। यानी कि खाली उसको ये नहीं कि युद्ध में वो जीत जाएगा और उसकी समृद्धि उसका यश सब समाप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा तत्र श्री विजय भूतिर, वहाँ पर श्री होगी यानी संपूर्ण समृद्धि होगी, उसका यश होगा, उसका गुणगान होगा, उसका ऐश्वर्य होगा, हर चीज उसको प्राप्त हो जाएगी। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय अकेली नहीं आएगी, विजय के साथ साथ सब कुछ आएगा, सदैश्वर्य आएगा, क्योंकि कृष्ण वहाँ पर है। और वो क्यों है कृष्ण, उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र थे अपितु वे कठोर नीति वाली भी थे। ध्रुवानी तीर्म तीर्म नीति के विषय में श्री बाबा जी बोलते हैं कि वो कठोर नीति वाली थे, वो कभी भी अधर्म नहीं करते थे, क्योंकि धर्म राज उनका नाम था। युधिष्ठिर जो थे वो हर स्थिति में धर्म का साथ देते थे, वो उनके साथ संपूर्ण नीति थी। और आगे श्री बाबा जी बहुत ही उत्तम बात बता रहे उनके विषय में कि उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, पूरे जीवन में कभी भी उन्होंने असत्य नहीं। यानी जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी ना, तब द्रोणाचार्य को बोला, क्योंकि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत 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 प्रेम करते थे, तो फिर जब तक द्रोणाचार्य ने बताया था कि जब तक वो लड़ते रहेंगे तब तक उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन युद्ध में यदि कोई ऐसी खबर उन तक पहुंचा दी जाए जिससे वो दुखी हो जाएंगे तो वो अपना अस्त्र नीचे रख देंगे, और उस टाइम पर अगर उसको कोई वार करेगा तब वो हार जा सकते हैं। तो उनको जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण की योजना थी कि युधिष्ठिर महाराज उनको बताएं कि उनके बेटे की हत्या हो गई। अब वो तो झूठ बोलते नहीं, कभी भी बताते नहीं थे, झूठ तो बोलते नहीं थे। तो भगवान ने क्या किया, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उनको उसको भीम के हाथों मारवाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बोला अश्वत्थामा को मार डालो, तो अश्वत्थामा हाथी का नाम था। तो फिर बाद में जाके किसी ने बताया द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेरा पुत्र मर नहीं सकता है, ऐसे सोच रहे थे। फिर बोले जब तक दुर्योधन युधिष्ठिर जब तक नहीं बोलेगा ना तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। फिर वो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास गए कि क्या वाकई में अश्वत्थामा मारे गए हैं, मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने संस्कृत में बोला, संस्कृत ये लैंग्वेज ऐसी होती है ना चिकनी मिट्टी की तरह, उसको जैसे भी डालते हैं वैसे ही। तो उन्होंने संस्कृत में बोला कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, अब वो हाथी था या मनुष्य ये मुझे नहीं खबर। यानी कि वो ऐसे बोल रहा था कि तुम्हारा बेटा हाथी जैसा था, जानवर जैसा था, इसलिए मारा गया। यानी कि कुछ ऐसा बताया संस्कृत में, तो उसको फिर भी लगा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। उसने जब यहाँ तक सुना तो वो विधीन हो गए द्रोणाचार्य और बैठ गए रथ पर। और उसके बाद दृष्टद्युम्न जो कि उनकी हत्या के लिए जो उत्पन्न हुए थे, मैंने आपको शुरू में बताया था द्रौपदी ने यज्ञ किया था जिसके कारण दृष्टद्युम्न ने जन्म लिया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, तो द्रोणाचार्य उनके हाथों से मारे गए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद ने तो ये बताया कि कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, उस टाइम पर भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने साफ साफ बोला युद्ध जीतना इस बात पर निर्भर था। वो इतनी छोटी सी झूठ उनको बोलना, क्योंकि वो सामने वाला दल छल पे छल किया जा रहा था, और लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने तो यही कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, अब वो हाथी था या मनुष्य ये नहीं खबर मुझे। तो यहाँ तक बताया श्री प्रभुपाद ने कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं जब तक युधिष्ठिर नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को युधिष्ठिर ने दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई तो क्या सोचते है कि भगवद गीता तो साधारण एक शास्त्र है जिसमें दो दोस्त बात कर रहे हैं, और एक कह रहा है कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, ये सब मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनके साथ लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा दोस्त क्या बोलना, नहीं नहीं लड़ाई करनी चाहिए तुमको, लड़ाई करो जिससे कौन जीतता है। तो यही वार्ता कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बस यही वार्ता है, एक बोला लड़ाई नहीं करो, एक बोला लड़ाई करो, एक बोला नहीं करो, दूसरा बोला किसी किस ये न के प्रकार जो दूसरा वाला है वो थोड़ा ज्यादा चालाक है और आखिर में उसको अपनी बात मनवा देता है कि हाँ मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाबा जी बोलते लेकिन ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। क्या दोस्तों की जो वार्ता होती है वो कभी शास्त्र बन जाएगी क्या? तो श्री बाबा जी बोले ऐसा थोड़े, ये दो दोस्तों की वार्ता नहीं है, गीता आपके जीवन की लाइफ गाइड है। आपको अपने जीवन में किस तरह से
अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये श्रीमद् भगवद गीता आपको बताएगी। तो ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। श्री प्रभुपाद जी बोलते, कुछ लोग क्या बोलते हैं, उकसा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अनैतिक है, बल्कि और भी कहना चाहिए, हाँ माफ कर दो। लेकिन वास्तविकता श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता जो है वो नीति का परम आदेश है। परम धर्म क्या है, जीव का परम कर्तव्य क्या है, जीव भाव बंधन से छूटकर अपने रियल गोल तक कैसे पहुंच सकता है, अपनी वास्तविक स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है, ये श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में आता है। और ये कौन सा श्लोक है, अब देखो, जो दो लड़ाई, दो दोस्त अगर बात आपस में कर रहे हैं लड़ाई वाली, तो उसमें इस तरह की बात कहाँ से होती है। भगवान ने 9.34 में क्या बताया, मनमना भव मत्थतो मध्याजीवं नमस्कुरु मामी वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसे करते हुए यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको भाव बंधन से छूटने का एक तरीका बताया। एक दोस्त दूसरे दोस्त को यदि वो साधारण है तो वो कभी भी इस तरह की बात नहीं बता सकता। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। और सारे धर्मों का सार ये है, कृष्ण की शरणागति। जितने भी धर्म है उसका सार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में बताया। शबोपा जी कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही संपूर्ण धर्मों के सार है कि सब कुछ, सारे धर्मों को छोड़ के केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाए। और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर यदि आप अपना धर्म करते हो, अपना कर्तव्य करते हो, तो यदि उसमें कोई अपराध भी होता है तो भगवान कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यहाँ तक है, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ तक है, तुम्हारा संकल्प यहाँ तक है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, आगे मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे समस्त अपराधों का क्षय मैं करूँगा, तुम्हें समस्त अपराधों से बचाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। बस तुम्हारी, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, मेरी शरण में आ जाओ, मुझसे प्रेम करो, और इसके बाद संपूर्ण कर्तव्य मेरे बन जाते हैं कि मैं कैसे तुम्हारे इस जीवन के कष्टों को समाप्त करूं। श्रीमद् भगवद गीता का आदेश धर्म की तथा नीति की परम विधि है। जो ये आदेश है वो परम विधि है। अन्य सारी विधियाँ भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली, अन्य सारी विधियों के विषय में यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, शरणागति यानी भगवान की भक्ति जो है वो परम विधि है। उसके बाद दूसरी विधियाँ कौन सी हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, दूसरी जितने भी योग हैं, ध्यान योग है, वे सब उस विधि तक ले जाने वाली। किस विधि तक, भगवान के शरणों की, चरणों की शरणागति तक ले जाने वाली विधियाँ हैं। लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। अंतिम आदेश क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना, और ये समस्त नीतियों का सार है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। यानी कि जितने भी अध्याय आज तक भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया उसमें सार क्या है, मत क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है 18.66 में कि संपूर्ण धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, यही, और भगवान की शरण ग्रहण करो, आत्मसमर्पण कर दो भगवान को, यही गीता का सार है। श्रीमद् भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा आपकी अनुभूति एक विधि है। यानी कि ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान करेंगे, ध्यान करेंगे तो अपनी अनुभूति होगी, अपना आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, यहाँ तक पहुँचेंगे ना। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इनफ थोड़ी, आपको पता चल जाए मैं आत्मा हूँ, ठीक है, फिर आप बोलते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ तक थोड़ी, आप पता चल जाए तो उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है ना।
आत्मा हूँ तो आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। अब अंश है तो अंश को क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। सेवा करनी है तो सेवा कैसे करनी है? जैसा शास्त्र कहता है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के विषय में सुनना है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, ये सब करना है। अब आत्मा हो तो खाली इतना जान लेना काफी थोड़े? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है ना। दूसरे जो जितने भी हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी आप क्या कहते हैं वापस से देखिए, श्रीमद् भगवद गीता से यहाँ समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, यानी बाकी सारी चीजों से क्या मिलता है? अपना पता चलता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। लेकिन वो जानने के बाद आपको क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना है। यह श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठान यानी कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग है। अब यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ज्ञान का गुह्य, ये ज्ञान जो ज्ञान है ना प्राप्त करना, वो गुह्य मार्ग है, सीक्रेट है। कि अब बाकी सारी चीजें क्या होती है? भौतिक होती है, हर निद्रा मई मैथुन, लेकिन जब ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाता है तो वो सीक्रेट बात है, वो वर्णाश्रम का आगे का कदम है। लेकिन धर्म के अनुष्ठानों के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है। अब वो पहले धर्म के अनुष्ठान है कि भाई ज्ञान हासिल करो, ये धर्म के अलग अलग अनुष्ठान करो, लेकिन उसके बाद आगे क्या है, गुह्यतर क्या है? ध्यान है ना, उसका ध्यान करो जिससे तो आए हो, ध्यान करो उसके बाद ज्ञान गुह्यतर है, यानी कि वो सीक्रेट है। और ध्यान क्या है? मोर सीक्रेट है। तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम आदेश है। भगवान ने कहा था ना कि 64 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सर्व गुह्यतम अम्बूय शुणु मे परम वच इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय मित्र हो अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश देता हूँ, सर्व गुह्यतम, सबसे ज्यादा सीक्रेट बात बता रहा हूँ, जो सर्वाधिक गुह्यतम है बता रहा हूँ, इससे अपने हित के लिए सुनो, तुम अपने हित के लिए सुनो। और सर्व गुह्यतम क्या बताया था? 66 में भगवान ने बताया, 65 और 66 ये दो श्लोक बताए थे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे सत्यम दे प्रति जाने प्रियोसि में, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे नमस्कार करो, और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त अपराधों से मुक्त कर लूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे गुह्यतम ज्ञान तो यही है कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरण गुह्यतम आदेश है, यही 18वें अध्याय का सार है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण है, परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है। अब श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी विषय है उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बता रहे हैं क्या है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, कौन कौन से? निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान, ये परम सत्य की अनुभूति है। वदन्ति तत्तत्त्व विदः सत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य तत्वदर्शी हैं, उन्होंने 3 श्रेणियों में बताया कि परम सत्य 3 फेस होते हैं, उनके 3 रूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान, यानी कि अब वो तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा कि ब्रह्म क्या होता है, भगवान की रेज जो भगवान के शरीर से निकलती है, जो भगवान की आभा है वो ब्रह्म है, भगवान का जो हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं वो परमात्मा है, और वास्तविक रूप जो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, वो परम सत्य की पराकाष्ठा है। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो वो ज्ञान के सारे विभाग उसी ज्ञान के अंश है, यानी कि कृष्ण को जान लिया तो परमात्मा भी भगवान का अंश है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म है वो भी मुझसे आता है, परमात्मा तो मेरा अंश है। तो अगर कोई भगवान को जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी
के अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। वो चाहे कहीं पर भी हो, भौतिक लोक में हो या आध्यात्मिक लोक में, वो अंतरंगा शक्ति में स्थित होते हैं। भगवान दिव्य हैं, भगवान पर कभी भी ये भौतिक चीजें उन पर असर नहीं करती। भगवान कहते हैं जन्म कर्म जने दिव्यम 4.11। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भले मैं संसार में जन्म लेता हूँ, भले कोई भी कार्य करता हूँ, तो मेरी दिव्य स्टेज जो है वो बनी रहती है। वो कभी भी मैं भौतिक मटेरियल स्टेज पर नहीं आता हूँ। और आगे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव उनकी शक्ति से प्रकट है। यानी भगवान की दो शक्तियां बताई थी ना, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, तो उनके विषय में जीव के विषय में बता रहे हैं कि जीव जो है भगवान की शक्ति है। और दो श्रेणी के होते हैं जीव भी, दो श्रेणी के होते हैं, एक नित्यबद्ध होते हैं और दूसरे नित्य मुक्त होते हैं। नित्य मुक्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के परिकर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, वो नित्य मुक्त होते हैं। और हम जैसे बद्ध जीव जो है ना संसार में गिरते हैं, वो नित्यबद्ध होते हैं। इनके विषय में शब्दों बता रहे हैं। और ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है, यानी कि अनलिमिटेड जीव हैं, बहुत सारे असंख्य हैं, काउंटलेस हैं, और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। मूल अंश का मतलब ये है कि वो शुरू से भगवान के पार्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान में से निकाले गए हैं, भगवान संपूर्ण हैं, लेकिन जीव असंख्य मात्रा में है और वो स्टार्ट से भी इंडिविजुअल है। अलग से उनकी सत्ता है, उनकी इनफरादियत है, वो भगवान के अलग अंश हैं, भिन्न अंश हैं, तो मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। यहाँ पर भौतिक शक्ति के 24 तत्वों के विषय में जो हमने पढ़ा कि ये भौतिक शक्ति का निर्माण 24 तत्वों से होता है। कौन कौन सी? 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रिया, कौन सी? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, नाक, गुदा और लिंग। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, कौन से? रूप, रस, स्वाद, गंध और स्पर्श। और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा तथा परमात्मा। ये सब जो है वो भौतिक प्रकृति के जो भौतिक प्रकृति और गुण, हाँ गुण है, हाँ आत्मा तथा परमात्मा इसमें भौतिक प्रकृति में नहीं आते, लेकिन गुण है। तो ये 24 तत्व हो जाते हैं। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो कुछ बताया ना, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बता रहे हैं। पहले परम तत्व के विषय में बताया, 3 उसकी श्रेणियां होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है। उसके बाद जीव के विषय में बताया, जीव, और उसके बाद भौतिक शक्ति के विषय में बताया, और यहाँ पर कर्म शाश्वत काल, यानी सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है। जिनके भगवान जो शाश्वत काल के विषय में बता रहे हैं, उनके विषय में ये जो भगवद गीता में जो काल का एक अंश है, उसके विषय में श्री भगवान बता रहे कि वो काल शाश्वत है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। कंटिन्यूअस भगवान ये भगवान की लीलाएं चलती रहती है, और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता रहता है। बारम्बार प्रकट होता है, बारम्बार क्षय हो जाता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट हो जाता है। भगवान की ये इच्छा है, भगवान का ये खेल है, बारंबार इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और बारंबार इसका विनाश होता है, प्रलय होती है। तो भगवान ये जानना ही नहीं है कि कब से स्टार्ट हुआ है, कब से ये हो रहा है, लेकिन इस पुनः प्रकट और अप्रकट में जब कोई जी गुरु और कृष्ण, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण की कृपा से जब उसको भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है, तो वो जन्म मृत्यु के इस श्रृंखला से बाहर निकल आता है। आगे श्रीला गोपाल जी भगवद गीता को समेट कर बता रहे हैं कि श्रीमद भगवद गीता में 5 प्रमुख विषय की व्याख्या की गई है, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। ये 5 विषय हैं भगवद गीता के, और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। यहाँ पर श्री गोपाल जी यहाँ पर ये बता दिया कि चाहे वो जीव हो, चाहे भौतिक प्रकृति हो, चाहे शाश्वत काल हो या आपके कर्म हो, वो सब टिके हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर, भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। परम सत्य की सभी धारणाएं, अब परम सत्य की कितनी धारणाएं बताई गई? 3 धारणाएं, 3 स्वरूप बताए गए, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूति, यानी कि भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। अब कौन कौन सी है श्रेणियां? निराकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये सब भगवान के ही
रूप के अलग अलग विस्तार हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान जीव प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। देखने में ऐसा लगता है जीव अलग है, भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, कर्म अलग है, लेकिन जो ब्रह्म है ना, जो सर्वव्यापी है, वो भगवान का अंश है और उससे कुछ भी भिन्न नहीं है। सब कुछ ब्रह्म में आ जाता है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं में भिन्न रहते हैं। अब ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एकदम एंड है यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, यानी कि सब कुछ भगवान के अंदर है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 5 में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरम् भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अर्थात तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। पहले भगवान ने कहा सब कुछ मुझ में स्थित रहता है, लेकिन अब कह रहे मुझ में स्थित नहीं रहती है, यानी कि मैं फिर भी अलग हूँ। जरा मेरे इस योगेश्वरी को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैं इस संसार का अंश नहीं हूँ, मैं तो कारण हूँ। ये सब चीजें मुझ में है, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ, मैं हमेशा इनसे अलग हूँ। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य लीलावे तत्व है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं होता, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है कि भगवान हर चीज में होते हुए भी भगवान किसी चीज में लिप्त नहीं होते हैं। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है। वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा। हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने खुद कहा कि ममैव अंश जीवलोके, भगवान का अंश है, हम आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, यानी कि छोटा सा अंश है भगवान का। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, यानी कि भगवान भी सूर्य है और उनके जो प्रकाश निकल रहे, वो जितनी भी असंख्य जीव है वो सब उनके प्रकाश है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। अभी मैंने आपको बताया भगवान की तीन शक्तियाँ होती है। भौतिक शक्ति क्या होती है? अपरा शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है? पराशक्ति। और जीव क्या है? तटस्थ शक्ति। तो इन दोनों में से किसी और की ओर जाना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है। तटस्थ मतलब तट पर खड़ा है, सेंटर में खड़ा है, और क्योंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से, वास्तव में वो पराशक्ति है लेकिन बीच में खड़ा कर दिया गया, उसको स्वतंत्रता दी गई है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता है। वो पराशक्ति है लेकिन फिर भी उसके अंदर स्वतंत्रता है कि वो किधर जाना चाहता है, माया में गिरना चाहता है या भगवान की अंतरंग शक्ति की ओर आना चाहता है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। अगर वो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है तो वो भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की पराशक्ति की ओर आ जाता है। लेकिन यदि वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो वो फिर उसे जन्म जन्मांतर तक कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, भगवान की श्री कृष्ण कहते हैं अशुद्ध दानाः पुरुषा धर्मस्याच परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनम्। 9.3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, अर्थात जो भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग करना चाहिए और भगवान की पराशक्ति, भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए।
क्योंकि श्री भगवान जी कहते हैं इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश का अंतर्गत आता है। और आगे श्री भगवान जी कहते हैं इस प्रकार यह आह्लादनीय शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। सामान्य दशा क्या है? श्री भगवान ने बताया ना कि जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? शुद्ध आत्मा। और आत्मा का क्या कर्तव्य है? कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में आ जाना, अपना मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा है। आत्मा का कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, उस स्थिति तक पहुंचना है। तो इस प्रकार वह आह्लादनीय शक्ति की अपनी सामान्य दशा को पहुंच जाता है। किस प्रकार? यदि वो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है, शास्त्र गुरु और साधु के आदेशों का पालन करते हुए वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, अपनी रियल स्टेज को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्यायः। परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण के इस परम गोपनीय गीत को पूरा कर चुके। हमने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को समझने का पूरा पूरा प्रयास किया। मेरे हृदय से यही इच्छा थी कि गुरु महाराज को प्रसन्न करते हुए एक एक शब्द को क्लियर किया जाए, एक एक गुरु महाराज प्रभुपाद के वाक्य को क्लियर किया जाए, भगवान के श्लोकों को क्लियर किया जाए। और इस कोशिश में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी कोताहियाँ हुई, बहुत सी मिस्टेक्स की मैंने, कुछ अपराध किए आपके चरणों में। बहुत दफा ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे शब्द उच्चारण किए होंगे जिससे आपको कष्ट हुआ होगा, आप सबको अच्छा नहीं लगा हुआ होगा, आपको दुख पहुंचा होगा। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको कुछ दुख पहुंचाऊं। मेरी इच्छा केवल इतनी थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इस परम पवित्र गृह ज्ञान को इज इट इज आप तक पहुँचाऊँ। तो इस कोशिश में यदि कभी आप किसी चरणों में मेरे से कोई अपराध हुआ हो तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। और शास्त्र कहता है कि ज्ञान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का ध्यान विद्या का दान होता है। और यदि आपको कोई भगवद गीता पढ़ के सुनाता है तो उसकी बदली में उसको कुछ देना चाहिए। तो यदि आप वाकई ऐसा लगता है कि मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है तो उसकी बदली में आपको मुझे कुछ देना चाहिए। और मैं आपसे आप सबसे हाथ जोड़कर आपके शिष्यों को प्रणाम करके आप सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को दूसरों तक पहुँचाते हुए समर्पित कर सकूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इन आदेशों को उन सब जीवों तक पहुंचाऊं जिन तक नहीं पहुंचा है ये ज्ञान, और उनके लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य के विषय में उन्हें बताऊं, भगवान के इन पवित्र वाक्यों को प्रचार कर सकूं। और इसके लिए मुझे आप सबके आशीर्वाद की, आप सबकी प्रार्थनाओं की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरा बहुत बहुत उत्साह बढ़ाया, मेरा बहुत बहुत साथ दिया। आप सबके साथ और उत्साह के कारण, आप सबके आशीर्वाद और प्रेम के कारण ही आज हम श्रीमद् भगवद गीता को समाप्त कर चुके हैं। और आप सबका उत्साह, प्रेम और आशीर्वाद ही है जो हमें श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने में, उनका शुभारंभ करने में सहायता करेगा। कृपया अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।